नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमरोहा से है। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत। स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की लगी भीड़। आपको बता दें कि खंड शिक्षक और स्नातक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने शनिवार की सुबह नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मुरादाबाद जा रहे थे। गजरौला पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया तथा नेताओं और पदाधिकारी से भी मुलाकात की। इसके बाद वह मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इस दौरान धरोना विधानसभा से विधायक राजीव तरार ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का गजरौला आगमन पर फूलमाला पहनकर जोरदार स्वागत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी नित नए आयाम स्थापित कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव परिणाम ने यह प्रमाणित भी किया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए रिपोर्टर काविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24 अमरोहा की रिपोर्ट। आज हमारे जो प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए हैं माननीय राधा मोहन सिंह जी, उनका प्रधान आगमन था और यहीं से गजरौला से होकर निकल रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इसी को लेकर के मुरादाबाद में बैठक है और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बड़ी उत्सुकता के साथ स्वागत किया। चुनाव और बिहार एक नया ऊर्जा उत्साह चारों तरफ मोदी जी और योगी जी के प्रति जो लगाव है, जो लहर है वो देखने को मिल रही है और सभी कार्यकर्ता इस विधान परिषद चुनाव में भी भारी मतों से हमारे जो हरीश सिंह ढिल्लो जी हैं उनको जिता करके विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे और चारों तरफ जो माहौल है वो कमल में है भारतीय जनता पार्टी।